आराधना कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीपीएड विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शक्तिमान सिंह आज योग में अष्टांग योग पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग के बारे में आज चर्चा करेंगे। छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को अवश्य देखें। सबसे पहली चीज अष्टांग योग में यम नियम धारणा ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि ये पूरे आठ ही इसके आयाम हैं और इन आठ आयामों में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मनसा वाचा कर्मा यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। आप पहली बार चीज है यम। यम का मतलब होता है शरीर। शरीर में करीब लगभग पांच चीजें आवश्यक होती हैं जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह जिसमें अहिंसा यम में अहिंसा शरीर के द्वारा किसी भी रूप में अहिंसा की जाए विचार आया जाए ये एक तरह से व्यक्ति को कष्ट देता है। सत्य मानव में मानव व्यक्ति में सत्यता ही एक उसका हम क्या हैं हमको यथार्थ रूप में हम उस चीज को महसूस करें तो हमें ये समझ में आएगा कि सत्य क्या है। अस्तेय का मतलब होता है किसी भी चीज को सही ढंग से समझना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम अपने द्वारा अपने शरीर के द्वारा अपने मन के द्वारा ब्रह्मचर्य रहें। जो भगवान हमको दे रहा है हमको शरीर दिया है अच्छा दिया है बुरा दिया है जैसा भी है उसके बारे में हम उसको ठीक से रखें। और अपरिग्रह का मतलब है किसी भी दूसरी चीज़ को किसी भी दूसरे व्यक्ति को देख करके हम किसी भी तरह से दुखी ना हो। इन चीज़ों को हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना प्रसन्न रखना यम का कारण है। नियम में सबसे बड़ी चीज़ होती है जो भी नियम का मतलब होता है प्रशासनिक जो शरीर के लिए आवश्यक हैं जैसे शौच संतोष तप स्वास्थ्य और ईश्वर प्रेरणा। शौच हम जानते हैं कि हमारा शरीर सुबह हमें शौच क्रिया नित्य क्रिया तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं शारीरिक स्वच्छता के लिए संतोष जो हमें भोजन मिले जो हमारी स्थिति है जिसके परिवेश पे है हमें संतोष करना चाहिए। हमें ज़्यादा आवश्यक अनावश्यक चीज़ों को नहीं तो सोचना चाहिए और तब जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं पर संतोष करते हुए तप करना चाहिए। और उन तप का मतलब ये है कि हम अपने आप को आवश्यकता से अधिक ना ले जाएं। स्वच्छता का मतलब है पूरे शरीर को स्वच्छ रखना दाढ़ी बाल धुलना नहाना तमाम सी चीज़ें हैं जिसे स्वच्छता की बात करें व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता जिसकी आज हमें बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर प्रेम यानी कि हमको अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए और उसे सधन्यवाद देना चाहिए। इसमें हम पूरी तरह से नियम का पालन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम अपने मन को सही ढंग से व्यवस्थित रख सकते हैं। और तीसरा भाग है इसी का पहले यम फिर नियम और फिर तीसरा भाग है आसन। आसन का मतलब होता है हम किसी भी तरह से आसन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन हम आसन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हम इन सभी क्रियाओं को किस तरह बैठ करके इन सभी क्रियाओं को किस तरह करें वो आसन कहलाता है। आसन में प्राणायाम कहला आसन में सुखासन में बैठ करके उस ईश्वर भक्ति का आसन के द्वारा हम अपने चीज़ों को ठीक ढंग से प्रयास करें। ये तीन आयामों को अगर हम अपने जीवन में डालते हैं तो हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में हम पूर्ण स्वस्थता के साथ अपना सामाजिक निर्वाण पारिवारिक निर्वाण कर सकते हैं। Thank you.